फ्लूइड डायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नम्स नर्स गुलाम खान वगैरह इन सब के टेस्ट में आता है, आ खान मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी, और ये बहुत टफ है। तो इस चैप्टर को मैं पूरा कंप्लीट वीडियो में भी दूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा है। मैं फ्लूइड से मुराद क्या होती है, गैस या लिक्विड, गैस या लिक्विड, और अगर फ्लूइड मोशन में हो तो इसको हम कहते हैं डायनेमिक फ्लूइड, फ्लूइड डायनेमिक। आपके कोर्स में फ्लूइड डायनेमिक है, लेकिन स्टैटिक डायनेमिक क्या होता है, स्टैटिक फ्लूइड क्या होता है, वो भी मैं बहरहाल बताऊंगा आपको। सबसे पहला टॉपिक है विस्कोसिटी। मेरे भाई, अगर तीन लिक्विड है, एक लिक्विड ए, एक लिक्विड बी है, एक लिक्विड सी है, मुझसे कोई पूछे कि इनमें से विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है मेरे भाई, ए की, क्योंकि ये कम बह रहा है। सी सबसे ज़्यादा बह रहा है, तो सी की क्या ज़्यादा होगी, फ्लूडिटी। फ्लूडिटी जिसको ग्रीक लेटर पाई फाइव से जाहिर करते हैं, और विस्कोसिटी जिसको ग्रीक लेटर ये हीटा, एन से मिलती जुलती शक्ल है, एन की दो में आ जाती है। मशहूर यूनिट जो इसका कॉमन यूनिट है वो पॉइज है, और पॉइज बेसिकली क्या होता है, न्यूटन मल्टीप्लाई बाय सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। अब ये अलहदा बात है कि खुद न्यूटन चाचा किसके बराबर होते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑल्टरनेटिव यूनिट की बात कर रहा हूँ, सारी एमसीक्यूज आ चुकी है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ सेकंड है, ये पर सेकंड और सेकंड स्क्वायर मर के पर सेकंड बचेगा, मीटर स्क्वायर का एक मीटर मरेगा, ये मीटर ऊपर जाके माइनस, यानी किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, न्यूटन पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये दोनों डेगा पॉइस के बराबर होते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, विस्कोसिटी की डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस वन, देखो एम सी के जी, एल माइनस वन क्योंकि मीटर माइनस वन, सेकेंड माइनस वन टाइम माइनस वन। डायमेंशन की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें बहुत डिटेल में ये चीज़ दी है, अब मीन एजुकेशन डायमेंशन लिखिएगा आ जाएगा। अब एक क्या लाता है, स्टॉक्स लॉ। स्टॉक लॉ के तहत विस्को फोर्स जो होती है वो बराबर होती है सिक्स पाई थीटा आर रेडियस, वी से मुराद वेलोसिटी, जो भी लिक्विड की वेलोसिटी होगी। देखिए पाई कांस्टेंट है, सिक्स भी कांस्टेंट है, हीटा और रेडियस भी फिक्स रहता है, यानी ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, वेलोसिटी के। अब एक टर्मिनोलॉजी बहुत आती है टेस्ट में, टर्मिनल वेलोसिटी, जिसको बेसिकली डेफिनेशन है मैक्सिमम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, मैक्सिमम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैंने आपको बताया, चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे भी, इस्तदा की है, टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है एम जी सिक्स पाई हीटा आर, और इसी का एक और फार्मूला भी होता है टू जी आर स्क्वायर रॉ, रॉ से मुराद डेंसिटी, नाइन हीटा। अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल में वो आपको डेंसिटी यानी रॉ दें तो ये फार्मूला यूज कीजिएगा, मास दे रहे हैं तो ये वाला फार्मूला यूज कीजिएगा, हीटा और रेडियस तो दिया हुआ ही होगा, इस पर अक्सर न्यूमेरिकल आते हैं। अब इसमें से ये जो फैक्टर है टू जी आर स्क्वायर नाइन एन वाला हो या 2g raw 9n एन, ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं हमारे पास 2g raw 9 हीटा, ठीक है जी, ये कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के स्क्वायर के। ये भी आ चुका है सवाल कि टर्मिनल वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेडियस स्क्वायर के। ओके जी, अब कंडीशंस होती क्या है स्टडी फ्लूइड फ्लो, हम स्टडी करना चाह रहे हैं फ्लूइड फ्लो को। एक तो लिक्विड नॉन विस्कस हो, नॉन विस्कस यानी कोई इंटरनल फ्रिक्शन फोर्सेस ना हो, इनकम्प्रेसिबल यानी डेंसिटी कांस्टेंट हो, और फिर फ्लूइड मोशन क्या हो, स्टेडी हो। ये पहला पार्ट है जो कि मैंने अभी फ्लूइड डायनेमिक्स का बताया, इसको बहुत डिटेल में हमने पढ़ना है। थैंक्स अ लॉट।